Volve la puttana de Guille. अभी हम हैं कांवरिया पथ में कलकतिया धर्मशाला के लगभग, और यहाँ पर अगर मैं आपको घूम कर दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बहुत सारे कांवरिये भाई बम यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इन लोगों का जो है बड़ा बड़ा कांवर यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए मैं आप लोगों को इनका कांवर भी दिखा रहा हूँ। इधर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो इधर जो है ये डमरू वाला कांवर रखा हुआ है, और ये लोग जो है कांवर यात्रा करते हुए बाबा की नगरी तक पहुँच ही चुके हैं। तो चलिए आज जो है इन लोगों के कांवर यात्रा को दिखाते हैं और इन लोगों से बात भी करा, क्योंकि बड़ा बड़ा कांवर लेकर आ रहे हैं और सभी जो है पश्चिम बंगाल कलकत्ता से आए हुए। दिखाते हैं इन लोगों का कांवर यात्रा, साथ ही इन लोगों से जानकारी भी लेंगे। उनको थोड़ा सा पहले कांवर यात्रा का जो है कांवरिया पथ दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं जो है 100 मीटर पीछे के तरफ जो है कलकतिया धर्मशाला है, और कांवरिया पथ अभी आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है कांवरिये बाबा की नगरी के तरफ चल रहे हैं, और यहीं पर जो है कुछ कांवरिये रुके हुए हैं, बड़ा जो है कांवर लेकर आए। ये देखिए इन लोगों का कांवर इधर रखा हुआ है स्टैंड में, ये बड़ा सा डमरू वाला कांवर है और लाइट जो है इसमें लगा हुआ है। साथ ही इधर भी एक बड़ा जो है कांवर रखा हुआ है। देख लीजिए मैं इन लोगों का कांवर दिखा, और कांवरिये भाई बम जो यहाँ पर जो है अभी विश्राम कर रहे हैं। चलिए जानते हैं लोगों से कब जो है कांवर लेकर निकले और अभी तक का कांवर यात्रा कैसा रहा, क्योंकि बाबा की नगरी तो पहुंच ही चुके हैं। महज यहां से 4 से 5 किलोमीटर के दूरी पर जो है बाबा का मंदिर है, 5 किलोमीटर बाद इन लोगों का कांवर यात्रा भी समाप्त होने वाला। चलिए जानकारी लेते हैं भाई जो है बम से किस प्रकार का रहा कांवर यात्रा इन लोगों का। और हम लोग पश्चिम बंगाल के हावड़ा के रामकृष्णपुर कालीतल्ला से आए हुए हैं। हमारे क्लब का नाम है अशोक एथलेटिक क्लब, ये बहुत प्रसिद्ध क्लब है हावड़ा में, और हमारा जो ये रास्ता बहुत ही मंगलमय हुआ है। बहुत ही आनंद के संग हम बाबा का अपना ध्यान करते हुए यहाँ पे अभी हम जस्ट 5 किलोमीटर और बाकी है। बाबा देवघर के नगरी में प्रारंभ हम लोग कर चुके हैं और 5 किलोमीटर बाकी है जो हमारा कांवर पथ यात्रा मेरा समाप्त होगा। तो आप लोग कांवर लेकर कब चले थे भैया? ये रविवार को सुबह हम 8 बजे हम प्रारंभ किए थे अपना यात्रा, और आज मंगलवार शाम को 5:30 बजे तक यहाँ पर हम लोग मंदिर के करीब पहुँच चुके हैं। तो जलार्पण कब करना है आप लोगों को बाबा? आज करना या कल कीजिएगा? अगर हम लोग चाह रहे आज ही जा रहे तो आज ही हम लोग कर सकते हैं जलार्पण बाबा का। अभी तो आपको कम से कम 1 घंटा तो यहाँ से जाने में लग जाएगा। अभी जलार्पण हो ही रहा, लंबा कतार है, अभी मैं देख कर आ रहा हूँ। और यहाँ से फिर बासुकीनाथ भी जाने का प्लान है क्या? जी जरूर, बासुकीनाथ जाने का हमारा बहुत प्लान है। अभी जो है कुछ भजन भी गाया, तो वो भजन आप लोग पूरे रास्ते गाते हुए? पूरे रास्ते भर हम लोग भजन बाबा का गाते हुए आते हैं, अपने संग सभी कांवर यात्रियों का हम लोग मंगलमय करते आते हैं, और बहुत आनंद के लिए अपना भजन हम लोग सुनाते आते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ये यात्रा संपूर्ण करते आते हैं। तो कितने जन हैं आप लोग अपने ग्रुप में? हमारे यहाँ पे पूरे 40 जन हैं, 2 हमारे बहुत बड़ा बड़ा कांवर है यात्रा है जी, और साथ में जो है पिट्ठू बम भी है। हाँ, ये अपने प्रश्न है सब, हमने पिट्ठू बम भी लेके आए हैं। कितने साल से इस प्रकार का कांवर यात्रा आप लोग कर रहे हैं? ये हमारा दूसरा साल है। और कई भाई बंधु पहले से भी तो आते होंगे? ऐसा हाँ, ऐसा कोई नहीं, सब दूसरे साल ही आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे कांवर यात्रिया हैं जो पहला साल भी आए हैं। तो कोई दिक्कत उनको जो पहला साल आ रहे हैं उनको? किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब बाबा हम लोगों का कृपा है, सब चलाया बाबा भूतनाथ बाबा ताड़कनाथ का कृपा है जो यहाँ पे हम लोग आज खड़े हैं। तो यहाँ से फिर क्या आपको बासुकीनाथ भी जाना है क्या? बासुकीनाथ आज हमें जल अर्पण कर फिर हम लोग बासुकीनाथ के लिए रवाना होंगे। तो चलिए बाबा आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोल बाबा भूतनाथ की जय। हर हर महादेव। तो मैंने आप लोगों को इनका जो है कांवर यात्रा दिखाया और इन लोगों ने कुछ जो भजन भी गाया। चलिए जाते जाते वो भजन भी आप लोगों को दिखाते हुए चलेंगे। Oh, my God.